नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। केवलारी के ग्राम पंचायत पांजरा के सचिव अनिल तिवारी के खिलाफ समस्त ग्राम वासियों ने, समूचे महिला और पुरुषों ने एवं प्रतिनिधियों ने केवलारी के जनपद पंचायत में आकर केवलारी के जनपद पंचायत जनपद अध्यक्ष सीओ और केवलारी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सचिव अनिल तिवारी को हटाने की मांग की है। ग्राम वासियों ने आरोप लगाया है कि लगभग 10 से 15 सालों से ग्राम पंचायत पांजरा में पदस्थ अनिल तिवारी जो सचिव है, उनके आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। जब इनको टाइम मिले तभी अपनी मर्जी से आना जाना करते हैं और अभी तक गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। गांव में ना रोड बनी है ना नाली बनी है। समूचे ग्राम बस्तियां इससे बहुत परेशान है और उन्होंने कहा है कि ना अभी तक अब ग्राम में किसी भी लोगों का कोई काम नहीं हुआ है और मनमानी तरीके से कार्य करते हैं और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर कोई भी अभी तक कार्य नहीं हुआ है और उसमें पलीता लगाया जा रहा है। प्रशासन की अनेक योजनाओं का लाभ समय ग्राम राशियों को नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामवासी परेशान होकर ग्राम पंचायत जनपद सीओ को और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जितना भी कार्य है ग्राम पंचायत उठ के द्वारा कराया जाता है और अभी रामनवमी का जो उत्सव पूरे देश में मनाया गया, इसकी उत्साह भी ग्राम पंचायत 15 में नहीं मनाया गया, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई है और उन्होंने सचिव अनिल तिवारी को हटाने की पूरी तरह से मांग की और बताया गया कि धार्मिक आयोजन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो पैसे निकालकर सचिव ने रख लिए और गांव में कोई उत्साह नहीं मनाया गया। इसी तरह कई प्रकार की योजनाओं में भी घोटाला हो रहा है तो लोगों की यह मांग है कि सचिव अनिल तिवारी को पूर्ण तरह निरस्त कर दिया जाए। सचिव को हटाने की मांग समस्त ग्राम वासियों और नेत्राम देहरिया जनपद सदस्य के नेतृत्व में की गई है। केवलारी से जमुना हिरवार की रिपोर्ट। यह केवलारी का एसडीएम ऑफिस में जब हम आए हैं, यहाँ पांजरा से कुछ व्यक्ति आए हैं जिन्होंने सचिव से कुछ दिक्कत है, उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। आप अपना नाम किस तरह से आप लोग यहाँ पे आए हैं? तो सचिव का नाम क्या है आपका? क्या किस विषय से आप लोग आए हैं? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं होती पैसे निकाल के कर लेता हूँ। जैसे कि कौन कौन से काम है आप बताने की कोशिश करेंगे? पंडास नहीं बनी है, रोड नहीं बनी है, शमशान घाट नहीं बनी है, और क्या बात। आपने ज्ञापन दिया अभी एसडीएम सर को? हम लोग पहले आए तो जनपद सीओ सर को ज्ञापन दिया और उनके सचिव संबंधित सारी शिकायत बताया, उन्होंने सुना और कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उसके उपरांत हमने जनपद अध्यक्ष महोदय को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया और आवेदन दिया। उसके उपरांत हम लोग अभी वर्तमान में एसडीएम ऑफिस आए हुए हैं और एसडीएम सर ने अंदर मुझे बुलाया और बात किया कि क्या समस्या है। तो मैंने उनको बताया कि ग्राम पंचायत पांजरा में सचिव साहब जो कि अनिल तिवारी जी हैं, उनके द्वारा विकास कार्यों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई भी कार्य की योजना बनाई जाती है तो उसमें कह देते हैं कि कैसे संभव, नहीं हो पाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बेगर ये 10-12 सालों से कोई विकास के कार्य नहीं हुए। गांव में जाके देखेंगे ऐसा लगता है कि रोड का पैसा आ रहा है लेकिन जा कहाँ रहा, यानी पूरी तरह से घपला और गड़बड़ घोटाला चल रहा है। जी बिल्कुल तरीके से। और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति आए हो वो पूर्ण तरीका से सचिव साहब से परेशान। तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप जिला जाइए, मैं और बात कर लूँगा सर से और तत्काल आपकी जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। जी, तो एसडीएम के ऑफिस में यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए हैं जिनसे हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? आशीष जंगेला, केवलारी से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से। हम लोगों ने 2-3 बार नगर परिषद में और एसडीएम साहब के पास भी ज्ञापन दिए हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के जो नियम है कि मीट की दुकानें जो हैं कि मंदिर से 100 मीटर की दूरी में रहना चाहिए, उसके बाद भी आज तक केवलारी में संचालित हो रही है, मना करने के बाद भी चालू है। इसको देखते हुए सभी हिंदू भाई, सभी हिंदू समाज बहुत ही मान के चलो दुख का विषय है कि इतने शासन के नियम का अवहेलना करते हुए भी नहीं हटाया जा रहा है दुकानों को। जहाँ उनके लिए स्थायी दुकान दी गई है वहाँ नहीं खोला जा रहा है। इसके लिए हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल एवं सभी हिंदू भाई नगर परिषद में भी आवेदन दे चुके हैं और हमारे एसडीएम साहब को भी आवेदन दे रहे हैं। पंच सहित और भी जो पदाधिकारी हैं और ग्रामवासी हैं, ये सचिव की शिकायत को लेके आए हैं आपके पास, क्या आपका कार्रवाई उसमें? अब इसको आज हम तो लिए हैं ज्ञापन, इसके लिए टीम बना करके जो है जाँच कर
जांचने के लिए हटाना है। ये ग्राम पांजरा के लोगों ने आज ज्ञापन दे रहे हैं ये सचिव के खिलाफ, इस विषय में आपका क्या मन तत्व? आज ही मेरे संज्ञान में मामला आया है कि विगत कई वर्षों से वहाँ पर अनिल तिवारी नामक जो सचिव हैं हमारे जनपद पंचायत कोलानी के, वहाँ पर पदस्थ हैं और ग्रामीणों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं या विकास कार्य हैं उनकी वो स्पष्ट अनदेखी कर रहे हैं। ऐसी शिकायत लेकर के समस्त ग्रामवासी हमारे जनपद सदस्य के साथ में हमारी पंच बहनें, पंच भाई और साथ में वरिष्ठ नागरिक, गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि ऐसे सचिव को तत्काल हटाया जाए। निश्चित रूप से इस विषय को हम गंभीरता से लेते हुए तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि हमारे पांजरा के समस्त निवासियों की समस्याओं का निवारण हो सके। इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।